हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के एमडी खान इब्राहिम मेडिकल में। मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम फ्रॉम झारखंड। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है कोलीमैक्स सिरप के बारे में। कोलीमैक्स सिरप ये किन किन रोगों के लिए दिया जा सकता है और ये कितने साल के बच्चों को कितना डोज दिया जा सकता है और इसको अब किन हालातों में इसको दे सकते हैं, तो इन्हीं सब के बारे में आज हम आपको पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुँच जाए। तो चलो देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोलीमैक्स सिरप, कोलीमैक्स जो सिरप आता है इसमें दो कॉम्पोजिशन रहता है जिसका नाम है डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड एंड सिंथिकॉन सस्पेंशन, जिसमें डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg रहता है एंड सिंथिकॉन 40 mg रहता है। ये दोनों कंपोजिशन मिलके ये सिरप बना है। कोलीमैक्स टेबलेट ये एक वलैक्स कंपनी का है और इसका जो MRP रहता है वो लगभग 55 रुपया के आसपास कहीं भी मेडिकल स्टोर में आसानी से आपको मिल जाएगा। कोलीमैक्स ये जो सिरप आता है ये किन रोगों में दिया जा सकता है, तो कोलीमैक्स सिरप आप ऐसी हालत में दे सकते हैं जिसका, मान के चलिए कोई बच्चा है उसका पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, उसको बहुत दिन से पेट में दर्द होता है, उसका गैस का कुछ प्रॉब्लम रहता है, पेट में हमेशा मीठा मीठा दर्द होता है, तो इन्हीं सब के लिए ये सिरप दिया जा सकता है। कोलीमैक्स जो सिरप है इसको आप लगभग 1 साल के ऊपर आप 5 मिनट सुबह शाम दे सकते हैं, अन्यथा आप कोई भी मेडिसिन ले तो आप डॉक्टर से सलाह के अनुसार ही ले।